तो आज मेरे पास ये सैमसंग का ये 30 मॉडल आया है और ये दोस्तों पूरी तरह से डेड है। 3 साल से ये ऐसे ही पड़ा हुआ था और ये रखे रखे डेड हो गया है, कस्टमर का ऐसा कहना है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बैटरी कनेक्टर को चेक करते हैं तो यहाँ पे हमें हाफ शॉट ही दिखा रहा है, हल्का सा हमारे मल्टीर का जो काटा है वो ऊपर उठ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काटा हल्का सा ऊपर उठ रहा है और यहाँ पर दोस्तों हाफ शॉटिंग है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे डीसी मशीन के ऊपर चेक करूँगा और आपको इसका एम्पियर दिखाऊँगा कि कितना एम्पियर ले रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो यहाँ पे एम्पियर का जो काटा है ये 350 mA तक के ले रहा है डीसी मशीन के ऊपर। और दोस्तों बिना किसी पावर की दबाए यहाँ पे हमारा एम्पियर ले रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं छोटी सी शॉर्टिंग है और उस शॉर्टिंग को हमें हटाना है। तो दोस्तों मैं आज इसमें बताने वाला हूँ कि हम इसकी शॉर्टिंग किस तरह से ढूंढेंगे और उसे किस तरह से निकालेंगे तभी हमारा ये मोबाइल ऑन हो पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे नेटवर्क सेक्शन में जाना है हमें और नेटवर्क के ऊपर की जो प्लेट होती है उसे हमें निकाल देना है और पावर एम्पलीफायर ऐसी जो होती है जहाँ पर मैं अभी चेक कर रहा हूँ यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमें फुल शॉर्टिंग दिखा रहा है जबकि बैटरी कनेक्टर के ऊपर हल्की सी हाफ शॉर्टिंग दिखा रहा है। मगर पावर एम्पलीफायर ऐसी के पास जहाँ पे 3.7 वोल्टेज आते हैं वहाँ पर हमें शॉर्टिंग दिखा रहा है, फुल शॉर्ट दिखा रहा है। वहाँ पे हमारे मीटर का जो काटा है पूरा घूम रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पावर एम्पलीफायर आईसी के पास जो कैपेसिटर लगा हुआ है और एक डायोड भी लगा हुआ है यहाँ पर दोस्तों 3.7 वोल्टेज आते हैं और यहाँ पर फुल शॉर्ट है। ये देख सकते पूरा काटा घूम गया और यहाँ पर हमें फुल शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो दोस्तों हमें यही से हमें शॉर्टिंग चेक करना है। अगर आपके पास शॉर्ट किलर मशीन अगर है तो ब्लैक वाला वायर ग्राउंड पे लगाना है और रेड वायर इसी कैपेसिटर के ऊपर लगाना है। कई बार दोस्तों बैटरी कनेक्टर के ऊपर हमें शॉर्टिंग नहीं दिखाता मगर सर्किट में शॉर्टिंग होती है, तो ऐसी शॉर्टिंग जो होती है वो हमें जहाँ पर 3.7 वोल्टेज आते हैं ऐसी जगहों पर हमें चेक करना पड़ता है। अक्सर नेटवर्क वाले सेक्शन में 3.7 वोल्टेज आते हैं वहाँ पर पावर एम्पलीफायर आईसी के पास के कैपेसिटर के ऊपर ही चेक करना चाहिए, वहीं से हमें फुल शॉर्टिंग दिखाएगा और फुल शॉर्ट रहेगा और आपका डिजिटल मल्टीमीटर है तो वहां पे हमें बीप का साउंड सुनाई देगा। तो दोस्तों ऐसे में अभी हमें मदरबोर्ड के ऊपर पूरी तरह से रोशनी लगा देना है और बोर्ड को पूरा शॉर्ट सफ़ेद कर देना है। उसके बाद दोस्तों अब मैंने यहाँ पर अपना 3 एम्पीयर का चार्जर लिया है और यहाँ पर अभी मैं चेक करने वाला हूँ। माइनस वाले वायर को ग्राउंड पर शोल्डर कर देना है और रेड कलर के वायर को जो कि प्लस है उसे दोस्तों हम उसी कैपेसिटर के ऊपर टच करके देखेंगे जहाँ पे हमें शॉर्टिंग दिखा रहा था। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मैंने टच किया और यहाँ पे जो रोशन था वो पिघल के अलग हो गया है और ब्लैक वाला काला धब्बा दिख रहा है। तो दोस्तों हमें पता चल गया कि हमारी जो पावर एम्पलीफायर आईसी है वो शॉर्ट हो चुकी है, इसकी वजह से हमारा मोबाइल ऑन नहीं हो रहा था। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों कि हमारे सभी मोबाइल में यही फॉल्ट होगा। कई बार पावर एम्पलीफायर आईसी के पास हमें शॉर्टिंग दिखाता है, उसके कैपेसिटर के ऊपर शॉर्टिंग दिखाता है मगर शॉर्टिंग किसी दूसरी जगह होती है। तो ऐसे में रोशन लगा के अगर हम चेक करते हैं पावर एम्पलीफायर आईसी के वोल्टेज के ऊपर प्लस वाला वायर अगर टच करके देखते हैं तो कहीं भी अगर मदरबोर्ड में शॉर्टिंग अगर होती है तो वहाँ से रोशन जो होता है वो हट जाता है और वहाँ पर हमें रोशन पिघला हुआ दिखेगा। तो अब बारी है दोस्तों इस आईसी को बदलने की। अगर दोस्तों पावर एम्पलीफायर आईसी अगर ख़राब हो जाती है या शॉर्ट हो जाती है तो ऐसे में हो सकता है मोबाइल ऑन भी अगर हो जाएगा तो इसमें नेटवर्क नहीं आएगा, नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा क्योंकि ये नेटवर्क वाली आईसी होती है, इससे हमारे जो मोबाइल के सिग्नल होते हैं वो एम्पलीफायर होते हैं। अब दोस्तों आईसी मेरे पास अवेलेबल थी तो मैं भी यहाँ पर लगा रहा हूँ। कस्टमर का कहना था कि भैया मैं 3 साल से जेल में था और 3 साल से मोबाइल ऐसे ही बंद पड़ा हुआ था। कस्टमर ने कहा कि मैं भाई मर्डर करके गया था जेल में और अभी छूट के आया हूँ तो ये मोबाइल मुझे अभी रिपेयर करके होना, और भैया मेरी भी फट गई और मैंने इसे जल्दी से मोबाइल रिपेयर करके दे दिया। तो दोस्तों आपने देखा होगा यहाँ पर मैंने जैसे आईसी निकाला उसके बाद मैंने वहाँ पे शॉर्टिंग चेक किया तो हमारे मीटर का काटा बिल्कुल भी नहीं हिला, इसका मतलब वो आईसी में शॉर्टिंग थी और आईसी निकालने के बाद शॉर्टिंग हट चुकी। और यहाँ पर दोस्तों बैटरी कनेक्टर के ऊपर भी बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहा है, शॉर्टिंग पूरी तरह से हट चुकी है। और मैं यहाँ पे दोस्तों मोबाइल ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ चार्जिंग के ऊपर मगर ये नहीं हो रहा है क्योंकि बैटरी पूरी तरह से खाली है और इसका चार्जिंग कनेक्टर भी ख़राब है। तो मैं दोस्तों इसका चार्जिंग कनेक्टर बाद में रिपेयर कर देता हूँ लेकिन मैं इस पर
अभी डीसी मशीन के ऊपर इसे ऑन करके देखूंगा। तो दोस्तों ये मोबाइल ऑन हो चुका है और यहाँ पे मार्केट का डिस्प्ले है ये, इसका ओरिजिनल डिस्प्ले नहीं है। इसका ओरिजिनल डिस्प्ले जो होता है वो एमोलेड होता है और यहाँ पे ब्राइटनेस थोड़ा कम दिखा रहा है। दोस्तों अगर बैटरी कनेक्टर के ऊपर रेजिस्टेंस अगर दिखाता है तो हो सकता है हाफ शॉर्टिंग मोबाइल में हो, मगर अभी जो वन प्लस के मोबाइल आते हैं जिसमें 65 वाट के चार्जर सपोर्ट करता है, जैसे कि रियलमी के नार्जो 20 प्रो हो गया जिनमें सुपर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, ऐसे मोबाइल में दोस्तों बैटरी कनेक्टर के ऊपर प्लस पॉइंट के ऊपर आपको रेजिस्टेंस दिखाएगा। बजर मोड पे अगर चेक करोगे तो 400 की वैल्यू दिखाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो शॉर्ट है या हाफ शॉर्ट है। दोस्तों इसके लिए कन्फ्यूज मत होना, मेरा ये प्रैक्टिकल है, मैंने इनको चेक किया हो, मैं भी इनमें कन्फ्यूज हो गया था कि इनमें कोई शॉर्टिंग तो नहीं है, मगर जब मैंने उनमें बैटरी लगाया और उनको चलाया तो उनमें कोई बैटरी वगैरह नहीं उतर रहे थे, एकदम मोबाइल नॉर्मल चल रहे थे। और ऐसे दो तीन मॉडल मैंने चेक किया जिनमें सुपर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है और ऐसे में दोस्तों 400 तक की उनकी वैल्यू दिखा ही रहा था बजर मोड के ऊपर, तो मुझे कन्फर्म हो गया कि इनमें कोई शॉर्टिंग नहीं है। और मुझे इस बात का पता चला कि सुपर फास्ट चार्जर वाले मोबाइलों में इतना रेजिस्टेंस दिखाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मोबाइल हमारा कंप्लीट ऑन हो चुका है। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के जय हिंद जय भारत।